कला प्रदर्शन के साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के मद्देनजर पिछले 3 सालों से साहिल घारपुरी द्वारा सहयोगियों की मदद से क्रेजी स्ट्रीट का आयोजन किया जाता है। उसी तरह इस साल भी क्रेजी स्ट्रीट का आयोजन पिपला फाटा चौक हुड़केश्वर मार्ग पर किया गया। भागदौड़ भरी जिंदगी में टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी आभासी दुनिया से दूर रहने के लिए और अपने अंदर की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्व के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी क्रेजी स्ट्रीट का आयोजन पिपला फाटा चौक हुड़केश्वर मार्ग पर किया गया, जहाँ कई युवाओं ने झूमते गाते अपनी कला का दाखिला दिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का प्रायोजन बीसीएन न्यूज एवं नागपुर मेट्रो समाचार साथ ही साथ भी महाराष्ट्र आदि ने किया था। वहीं शंभू राजे सोशल वर्क मित्र परिवार, टैंक क्लीनिंग सर्विसेज, सिद्धिलैंड डेवलपर्स, टेलीसाई एक्सीलेंस, मौर्य ग्रुप आदि सामाजिक संगठनों ने सहायता की, जहाँ युवाओं ने एंजॉय के साथ ही सामाजिक अवेयरनेस भी फैलाई, जिसकी जानकारी दी साहिल घारपुरे ने। माझं नाव साहिल घारपुरे आहे, मी क्रेजी स्ट्रीट अँड टीम मधनं बोललो, हुडकेश्वर मधनं आहो। आपण आपला हा 3रा वर्ष आहे क्रेजी स्ट्रीटचा, आणि त्या माध्यमातून आपण जे विविध कलाकारांना आपण कला प्रदर्शित करायचा आपण चान्स देत असतो। तर आपले फायनान्सर वगैरे राजेश नेरकर सर वगैरे सगळे पॉलिटिशियन्स वगैरे आहे, आणि शंभूराजे सोशल वर्क मित्र परिवार, साई कम्युनिकेशन, साई टॅली आणि गुड्डू भाऊ, गुरुदेव लँड डेव्हलपर्स वगैरे वगैरे असे हे सगळे फायनान्सर्स आहे मागे तुम्ही पाहू शकता। आपल्या याचा एम जो असते म्हणजे टॅलेंटेड लोकांना म्हणजे आपलं टॅलेंट प्रदर्शन करायचं आपण चान्स देत असतो, आणि त्याच माध्यमातून एक अवेअरनेस स्प्रेड करत असतो की फॉर नो ड्रग्स कॅम्पेन अँड अवेअरनेस, सोशल अवेअरनेस जो हमारे सीपी चला रहे हैं नागपूर में। बस ये सब मकसद है अपना और एन्जॉयमेंट एक टाइप का, बस दैट्स इट। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।